25 मार्च 2024 फाल्गुन शुक्ल पक्ष सोमवार को 150 बरस के बाद में लग रहा है ऐसा चंद्र ग्रहण, जिसमें से 12 राशियों को करेगा प्रभावित और 6 राशि होंगी मालामाल। चंद्र ग्रहण किन किन देशों में होगा, इसका असर और इसके पीछे का क्या है विशेष बड़ा राज, जानते हैं इस विषय पर विशेष रूप से आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी, शास्त्री, झांसी, उत्तर प्रदेश, जय वाणी श्री भोपाल। राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। आइए चर्चा करते हैं हम लोग 25 मार्च 2024 फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, इस वर्ष का सबसे पहला चंद्र ग्रहण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा अद्भुत महासंयोग करीब करीब 150 वर्षों के बाद में बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो यह चंद्र ग्रहण 150 वर्ष के बाद में 6 राशियों को विशेष रूप से लाभ प्रभावित करने वाला है और अन्य 6 राशि वालों के लिए सचेत, सतर्क और सावधान रहने की विशेष आवश्यकता है। चंद्र ग्रहण में आप लोगों को पता है कि जैसे कि गर्भवती महिलाओं को मकान के अंदर खिड़की, दरवाजे, पर्दा इत्यादि लगाकर ही उस समय तक रहना चाहिए। कोई भी ऐसे पदार्थ, सुई, चाकू, छुरी, छिलनी इत्यादि का प्रयोग उस समय नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो यह अद्भुत महासंयोग पूर्णिमा शुक्ल पक्ष फाल्गुन 25 मार्च 2024 को प्रातः 9:33 से 2:39 तक रहेगा, किंतु यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य दिखाई नहीं देगा। यह चंद्र ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, फ्रांस इत्यादि देशों में रहेगा और दृश्य दिखाई देगा, किंतु 12 राशियों को प्रभावित अवश्य यह करेगा और जिन राशियों को विशेष लाभ प्रदान करने वाला है, लखपति करोड़पति बनने वाली हैं, ऐसी 6 राशि कौन कौन हैं? पंचांग निर्णय सागर के अनुसार जिनमें सबसे पहले राशि आती है मेष, मेष राशि वाले व्यक्ति इस चंद्र ग्रहण के पर्व पर अद्भुत महासंयोग बन रहा है। आप किसी भी कार्य को करते हैं उसमें विशेष रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। राजनीतिक हो, व्यापारिक हो इत्यादि जैसे क्षेत्रों में विशेष धन लाभ प्राप्त होगा। दूसरी राशि है वृक, वृक राशि वालों के लिए भी यह चंद्र ग्रहण विशेष अद्भुत महासंयोग बना रहा है। इनके भी अटके हुए काम सिद्ध संपन्न होंगे। सरकारी राजकाज, व्यापार, विवाह इत्यादि जैसे महासंयोग के संकेत प्राप्त हो सकते हैं। तीसरी राशि है इनमें सिंह, सिंह राशि वालों के लिए भी यदि आप किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं, नए पद की प्राप्ति के योग संयोग बन सकते हैं, अटके हुए काम सिद्ध संपन्न होंगे। चौथी राशि इसी क्रम में कन्या है। कन्या राशि वालों के लिए भी चंद्र ग्रहण में विशेष लाभान्वित प्राप्त होने वाले हैं। पांचवी राशि है तुला, तुला राशि वालों के लिए भी इस चंद्र ग्रहण में विशेष लाभ प्राप्त होगा, अटके हुए काम सिद्ध संपन्न हो सकते हैं। छठवीं राशि है इसी क्रम में धनु, धनु राशि वालों के लिए राजनीतिक क्षेत्र, भूमिगत द्रव्य लाभ एवं इत्यादि इत्यादि विशेष लाभ प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय पर यदि आप कोई भी साधना करते हैं वह विशेष फलीभूत होती है। कोई भी मंत्र की सिद्धि, मंत्र साधना, ज्योतिष तंत्र के विषय के लिए चंद्र ग्रहण एक ऐसा महासंयोग बनाता है जो आपकी अभीष्ट सिद्धि को प्रदान कराता है और यह समय में आपको घर के अंदर जो पूजा पाठ, मंदिर इत्यादि है उस समय यह सब नहीं खोलना है और गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण सूतक समय के बाद में
गंगा जल इत्यादि डाल करके घर को पवित्र करें। पूजा अर्चन करने के बाद में तत्पश्चात भोजन करें। ये चंद्र ग्रहण का क्रम है, विधान है। ऐसा करने से मनुष्य को सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और पूर्णिमा शुक्ल पक्ष यानी कि होली के पर्व पर यह महासंयोग बन रहा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीतामरा, जय माँ वृंदवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।